सत्यम देव निरंजनम श्री गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम परम पदम। तो जो भी शब्द गुरु जी ने कह दिए वो सत्य कहा है, असत्य नहीं कहा। हम उस पर शंका करें तो फिर वो हमारी हानि होगी उसमें। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और आज मैं फिर से सिद्ध बागेश्वर धाम आ चुका हूँ। दोस्तों भगवा हिंद की सीरीज़ में ये एक सफ़र है जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है और एक सनातनी होने के नाते, कट्टर हिंदू होने के नाते मैं निकल चुका हूँ भगवा हिंद की यात्रा पर। आपको सिद्ध बागेश्वर धाम लेके आया हूँ जहाँ पर अग्नि तपस्या करने वाले हैं गुरुदेव और 41 धुना अग्नि तपस्या करेंगे। श्री गणेश भगवान की जो, माँ शारदा की जो, श्री भोलेनाथ की जो, महाकाल की जो, महाकाली की जो, भैरव की जय जयकारो। ओम नमः पार्वती पति हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ जय जयकारो। दोदश लिंग जय जयकारो। मूल ब्रह्मा मध्य विष्णु लिंगमाकार मोशरम पात्रे पात्रे सर्वदेवनाम रुद्रदेवाम नाम नमोस्तुते। नमः पार्वती पति हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ जय जयकारो। ओम नमो नारायणाय मम शरीरम रक्षाम कुरु गुरुदेव। 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 ओम गुरुजी असवंती बसवंती वाला योग निशंक चढ़ंती राजा प्रजा वस्करंती। तू मेरी माता मैं तेरा पुत्र धर्म का सत्य का पूत काल जीत भाई अब्दू। अंबर जरे धरती परे धरती पर गौ माता चरे गौ गोबर करे सूरज मुख सुख जल पे जल बल के खाक गिल हुआ पाक मनुष्य से देवता किया। तीन टंक भगवती नौ टंक पानी श्री गणेश जी ने नानी माता पार्वती निशानी श्री शिव शंकर ने चढ़ानी। जो बिना मंत्र के भगवति चढ़ावे सो डूबे थाना पावे। जो मंत्र पढ़ के भगवती चढ़ावे सो अमरपुरी को जावे। यह मंत्र अनंत कोटि सिद्धों में बैठ के श्री गुरुदेव दत्त भगवान ने सिद्ध किया है, अतः हम उनके चरण कमलों में सर झुकाकर सत सत प्रणाम करते हैं। ओम गुरु जी ओम नमो नारायण। ओम गुरु जी ओम नमो नारायण। ओम गुरु जी ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ जय जयकार। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विजय तेत राम। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विजय तेत राम। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विजय तेत राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः। दोस्तों हमारे साथ दादा गुरु जी हैं जिन्होंने अभी आपने जो मंत्र सुना था हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। दादा गुरु जी मैं आपसे जानना चाहूंगा जो मंत्र उच्चारण अभी किया गया है उसका क्या महत्व है इस तपस्या को लेकर। एक मंत्र तो जो है शरीर रक्षा के लिए जी, जो मंत्र है शरीर की रक्षा के लिए एक मंत्र दो जी। और दूसरा मंत्र जो पढ़ा था वो भगवती का मंत्र है जी। भगवती मंत्र पढ़ के चढ़ाई जाती है जी। बिना मंत्र के भगवती नहीं चढ़ाई जाती है जी। तो भगवती रक्षा करती है काया की। अच्छा। उससे शक्ति भक्ति मुक्ति प्राप्ति होती है जी। किसी तरीके का ये कवच है होता है। किसी तरह का ये कवच है। कवच होता है जिसमें मतलब शरीर को किसी भी तरह की हानि ना हो किसी प्रकार की ऊर्जा से या कुछ और से। अच्छा। और ये मंत्र का उच्चारण किया जी 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 जी। बिना मंत्र के नहीं बैठा जाता। और गुरु जी जैसे जो तपस्या होती हैं कुछ जिसमें भभूत ना चढ़ाई जाए क्या वो तपस्या वैसी नहीं तो फिर नुकसान होगा उससे। अगर नहीं चढ़ाएगा बिना मंत्र के भभूति में चढ़ाएगा बिना मंत्र के बैठेगा तो उससे नुकसान होगा उसका शरीर का भी जी काया का भी और भंग भी हो सकती है उसकी तपस्या। भंग भी हो सकती है तो ये शायद लोगों को ना पता हो क्योंकि उन्होंने कभी इस तरीके का कोई जिसको नहीं पता फिर वो नुकसान करेगा। बिना गुरु को तो कुछ करनी नहीं चाहिए जी जी जी। सही है। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम श्री गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम परम पदम। तो जो गुरु के जो मंत्र जो गुरु ने कह दिया वही सत्य है जी। हाँ ठीक है। कहानी मंत्र सत्यम पूजा सत्यम जी जी। सत्यम देव निरंजनम श्री गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम परम पदम। तो जो भी शब्द गुरु जी ने कह दिए वो सत्य कहा है, असत्य नहीं कहा। हम उस पर शंका करें तो फिर वो हमारी हानि होगी उसमें। जो गुरु ने कह दिया वो कहता है, अगर हम उस पर शंका करेंगे तो उसमें हमारी ही हानि है। अच्छा ठीक है जी। ठीक है जी।
गंगे हर मदयर जटा शंकरी हर ओम माता पार्वती पते हर हर महादेव शुभ शंभु काशी विश्वनाथ गंगे दत्ता श्री दत्त भगवान की जय हो माता अनुसुईया के जयकार करें माता नर्मदा के जयकार करें श्री पंथस नाम जूनागढ़ के जयकार करें नौ सिद्ध चौरासी देवताओं की वाणी धूना पानी साधु की वाणी सही श्री गुरुदेव की जय हो गंगा जमुना सरस्वती की जय जयकार करें भारत माता के जयकार करें धरती माता के जयकार करें जंगनी जमनी माता के जयकार करें पुन्नागिरी मैया के जयकार करें वैष्णो देवी माता के जयकार करें पार्वती माता के जयकार करें लक्ष्मी माता के जयकार करें सरस्वती माता के जयकार करें गायत्री माता के जयकार करें संतोषी माता के जयकार करें तुलसी मैया के जयकार करें नगर खेरा वाली माता के जयकार करें मरगढ़ वाली माता के जयकार करें चौराहे वाली माता के जयकार करें पंत होने के जयकार करें माँ चरागे के जयकार करें अग्नि देवता के जयकार करें पवन देवता के जयकार करें राजा के जयकार करें अन्य देवता के जयकार करें सही श्री गुरुदेव की जय हो श्री गणेश काट कलेश पिता महेश सिद्धि सिद्धि के दाता माँ पिता सही श्री गुरुदेव की जय हो सनातन धर्म के जयकार करें धर्म के जयकार करें धर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो और श्री दत्त भगवान की जय और शंकर भोलेनाथ और महाकाल की जय और पवन पुत्र की जय और शनिदेव महाराज की जय और ब्रह्म देव महाराज की जय और भैरवनाथ जय और गंगे मैया जय और गौ माता जय और नगर वस्ती जय और अपने अपने गुरु महाराज जय और भक्त और भगवान जय और आज के आनंद जय जो बोले वो पावे हर हर महादेव वो तबस मिटाए दुनिया की दे दे अपना जय श्री दत्त भगवान की और माता अनुसुईया मैया की और माता नर्मदा माता की और जटा शंकरी और सिद्धवा और बागेश्वर धाम और माता पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी ओम नमो नारायण शगुन पीरो को शगुन मूर्तियों को ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि शगुन पीरो को शगुन मूर्तियों को महामंडलेश्वर को शंकराचार्य को अवधूत को नागा को सन्यासी को निर्माण को पठारी को भंडारी को जगत भक्तन को जीत पंक्तियों का सबका भंडार भरना मेरी श्री हरि सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम प्रभु सब ऋषि मुनियों को सब भूत पीरों को जगत भक्तन को नृत्य दोला चले नगर बस्ती का चूल्हा न मान किसी को रगड़ उसी को जो न माने किसी को जो धर्म की लाज बिगाड़े बांध दे गाड़ी पिछाड़ी ले ले खबर हमारी ओम शांति श्री शांति नारायण हरी।